बरेसगीर के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बैरिस्टर मोहम्मद अली जना 25 दिसंबर 1876 को कराची के मारूफ और महजब ताजर पूंजा जना के घर पैदा हुए। इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद लंदन गए, जहां वकालत की आला तालीम हासिल की। मुसलमानों की हालत इजार देख कर आपने अमली सियासत में आने का फैसला किया और चंद ही सालों में बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों के रहनुमा और अजीम कायद बन गए। आपने दो टोक अल्फाज में शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी सूबों में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया। There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 billions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. आपने क़याम पाकिस्तान के लिए दो कौमी नज़रिए को बुनियाद बनाया और अंग्रेज़ हुक्मरानों पर वाज़े किया कि मुसलमानों के लिए मुतहिद्दा हिंदुस्तान कतन कबूल नहीं होगा। हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया मस्ट बी सेपरेटेड बिकॉज़ द टू नेशंस आर एंटायरली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट एंड इन सम मैटर्स एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। वी डिफर इन आवर हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. आपने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अलहदा वतन का मतलब मुसलमानों की अपनी सरजमीन और अपनी हुक्मरानी है। हिंदू या अंग्रेज हुक्मरान हमारे लिए नापसंदीदा हैं। One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule. A position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1, which will virtually mean one nation ruling another by means of ballot box. The writ and fiat of such a government will neither command respect nor acceptance in allegiance. And such a government will therefore be impossible. क्या मैं पाकिस्तान के कुछ ही अरसा बाद आपने 11 सितंबर 1948 को वफात पाई। आप कराची में मदफून हैं, जहां सैकड़ों लोग रोजाना आपके मजार पर हाजिरी देते हैं। आपके जरी असूल और तालीमात आज भी पाकिस्तान के लिए मशले राह हैं।